हेलो वेरी यूपीएससी के प्रीवियसेंट यूपीएससी का आप कोई भी एग्जाम हो चाहे वो का है एन डी ए का है सी ए पी एफ का है या कोई स्टेट सर्विसेज का भी एग्जाम दे रहे हो तो ये जनरल साइंस वाले वीडियोज आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और ईपीएफओ की तो बात करें तो अराउंड फिफ्टीन क्वेश्चन जनरल साइंस में से आते ही आते हैं हर साल री so इम्पॉर्टेंट कि हम इसको अच्छे से कवर अप करेंट सो विदाउट लेट अस सिंपली प्रोसीड टू द फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कहता है कि जो हैंडल होता है प्रेशर कुकर का ये प्लास्टिक से बना होता है ठीक है बिकॉज इट शुड बी मेड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट अब प्रेशर कुकर का हैंडल अगर कंडक्टर ऑफ हीट होगा तो आप उसको उठा ही नहीं पाओगे प्रेशर कुकर को है ना गर्म हो जाएगा वो तो अल्टीमेटली आप क्या चाहते हो कि नॉन कंडक्टर ऑफ हीट हो जिसकी वजह से वो हीट ना हो एंड जो प्लास्टिक बेसिकली इस हैंडल में यूज होती है ये फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक भी इसको बोला जाता है तो ये कौन सी प्लास्टिक होती है ऑप्शन है पॉलिथिन बी टिन सी नाइलॉन डी बेकलाइट ओके जो प्रेशर कुकर के हैंडल में मैंने आपको कहा था कि यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन ना काफी सारे साइंस में जो जनरल साइंस बेसिकली इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं रूटीन लाइफ क्योंकि प्रेशर कुकर तो अब हर घर में इस्तेमाल होता है ठीक है हर घर के अंदर खाना बनाने में कुकर का इस्तेमाल होता है तो उन्होंने तो बिल्कुल आपकी किचन में से सवाल उठाया आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी बेकलाइट बेकलाइट जो होती है प्लास्टिक जो फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक भी जिसको बोला जाता है उसको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर क्योंकि नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है ठीक है तो बेकलाइट जो है एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है एंड इसको आप रीयूज़ या रीमोल्ड भी कर सकते हो तो री या रीमोल्ड नहीं कर सकते हो एक बार क्योंकि हार्ड प्लास्टिक होता है ये ओके एंड इसके अंदर आप पॉलीमर नोवोलेक के जो लीनियर चेंज होते हैं उसको क्रॉस लिंकिंग करके ये बनता है एंड वेरियस पर्पजेस के लिए इसको यूज किया जाता है कॉम्स जो आपके घर में आप कॉम यूज करते हो अपने बालों को सेट करने के लिए ओके okay, उसके बाद जो फोनोग्राफ रिकॉर्ड होते हैं इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं हैंडल्स जो होते हैं आपके बर्तनों के उन सब में बेकलाइट का इस्तेमाल किया जाता है सेकेंड क्वेश्चन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ये बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने शायद सुना होगा दिसंबर 1984 के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था काफी लोगों की डेथ इस इंसिडेंट में हो गई थी और बेसिकली ये गैस यूनियन कैरबाइड फैक्ट्री में यूज हो रही थी तो ये गैस किस के लिए इस फैक्ट्री में यूज की जाती थी डाइज की प्रोडक्शन में डिटर्जेंट बनाने के लिए एक्सप्लोजिवस बनाने के लिए या पेस्टिसाइड्स के लिए ओके मिथाइल आइसोसाइनेट गैस द दे डेडली गैस जिससे भोपाल में काफी सारी डेथ्स एंड इवन लोगों लोग

नेक्स्ट क्वेश्चन द जर्म प्लाज्म इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स जर्म प्लाज्म इज द जर्म टर्म सुना होगा जब आप प्लांट प्रोपोगेशन की बात करते हैं या रिप्रोडक्शन की बात करते हैं एनिमल्स के अंदर तो जर्म प्लाज्म जो होता है ये क्या होता है नंबर वन जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं नंबर टू सीड और टिश्यू फॉर ब्रीडिंग नंबर थ्री एग एंड स्पर्म रिपोजिटरी नंबर फोर अ जर्म सेल डिटरमाइनिंग जोन तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है जर्म प्लाज्म के अंदर आपके तीनों आ जाते हैं जेनेटिक रिसोर्स सीड और टिश्यू फॉर ब्रीडिंग एग एंड एंड स्पर्म तो आंसर यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा एगेंस्टिटी लास्ट क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी विजिबल है तो चलो कोई बात नहीं क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज इनमें से कौन सा वायरल डिजीज नहीं है डेंगू एड्स टाइफाइड इन्फ्लुएंजा आंसर ऑलरेडी आपके सामने आ गया है तो आंसर इसका सी होगा टाइफाइड जो है वो वायरल डिजीज नहीं है ओके okay, तो कॉमन एग्जाम्पल जो वायरस हैं उसमें आपका कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा डेंगू एड्स आ जाता है और इन्फेक्शन जैसे कि टाइफॉइड हो गया कॉलरा ट्यूबर क्लॉसेज एंथ्रेक्स ये क्या है बैक्टीरियल है तो आपसे पूछा गया था वायरल सिमिलरली वो अगर बैक्टीरियल पूछ लेता तो उसमें क्या हो जाता कि भाई इनमें से कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो तीन वायरल थे टाइफाइड बैक्टीरियल है तो वो आंसर हो जाएगा <coughs> एक और क्वेश्चन देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो ऑप्शन है ब्रेन फीवर बी मलेरिया सी टाइफाइड, डी टेंगू इनमें से कौन सा आ, आ, जो फीवर है वो मॉस्किटो से ट्रांसमिट नहीं होता आंसर अगेन होगा सी ब्रेन फीवर मलेरिया और डेंगू ये तीनों जो है आपके मॉस्किटो बाइट से आते हैं टाइफाइड इज नॉट बिकॉज ऑफ मॉस्किटो बाइट ओके सो दिस इज इट गाइज दीज वो दाइव क्वेश्चन डिस्कस्ड अ वेरी क्विक फाइव क्वेश्चन और इसी तरीके से पांच पांच क्वेश्चन जनरल साइंस के एड करते रहेंगे इन सारे पांच पांच क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो तो आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर से आपको मिल जाएंगी जरूर डाउनलोड करें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है फॉर पर्टिकुलर लेक्चर पर्टिकुलर टॉपिक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को सी इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर एंड बाय